सभी भक्तों से निवेदन है अपने अपने मोबाइल फोन कृपया साइलेंट करें। जो दर्शन आपके आ रही है अपने मोबाइल फोन साइलेंट कराने लहान मुल जी मागे बसू। हरे जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी बल्लभ गिरिवर धारी यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यशोदा नंदन व्रज जन रंजन
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे
भवानी मोनी झाली काय भवानी हरी साधु संत इस्कॉन सोलापुर में भी पूरे मंदिर में नवनिर्माण और मंदिर का कंस्ट्रक्शन वहां पर भी डोनेशन है और पंढरपुर के लिए प्रोज ने 1 करोड़ का प्लेज किया है उसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट प्रोज आज है साधु संत प्रभु राधा चरण प्रभु इन दोनों भाइयों के द्वारा एक बार हरे कृष्ण महामंत्र देकर उनका धन्यवाद देंगे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे और सोलापुर से ही पावनी गंगा माता जी और उनके पति नरेश लक्ष्मण दुडव प्रभु माता जी पावनी गंगा माता जी भी जो तो इन्होंने भी राधा पंडरनाथ में आने वाला उत्सव और पंडरनाथ की सेवा के लिए 51,000 की धनराशि ये भी आज गुरु महाराज को समर्पित कर दी हरी रो तो इनका भी धन्यवाद देंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र कहकर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरी रो और आपसे भी निवेदन है आज ही ऑफिस का उद्घाटन हुआ है अलग अलग स्थानों से अलग अलग भक्तों ने जो भी प्रजेस किए हैं जल्द से जल्द आप लेकर आइए धनराशि जिससे हम राधा पंडरनाथ का मंदिर और कोई अनाउंस करना चाहता है महाराज जी कह रहे अभी आप कोई प्रेजेंस से अनाउंस करना चाहते हैं ऑफिस का उद्घाटन हो गया तो फंड रेजिंग शुरू हो सकता है फंड रेजिंग आज प्रारंभ हो सकता है ऑफिस का उद्घाटन भी हुआ है जय कृष्ण प्रभु माइक्रोफोन दो उनको अनाउंस करें अरवड़ेकर आई थे ना हरे कृष्ण तो आज मेरा भाग्य है कि महाराज मेरे को 5 साल पहले बोले थे जब हम प्रोविशन मिले थे तो महाराज मेरे को बोले कि अरवड़े में मंदिर बनाना है तो कुछ कीजिए तो उस समय मेरा इतना कुछ योग्यता नहीं था और मेरे हाथ में लक्ष्मी नहीं थी लेकिन अभी महाराज के कृपा से आशीर्वाद से मेरे को ये चांस मिल रहा है तो वह धनराशि मैं आज महाराज के चरणों में अर्पित करना चाहता हूँ तो 1,00,000 रुपये मैं इस प्रोजेक्ट के लिए देने के लिए सोचूंगा और दूंगा भी प्लेज फॉर्म है आज हमने हमारे इस्कॉन सोलापुर के TMC भक्तों को बुलाया है आज के ऑफिस के उद्घाटन करने के लिए तो हमारे साधु संतों ने पहला बोली जैसे महाराज कह किए फिर गोविंद राम प्रभु 1,00,000 रुपये की धनराशि उसमें से 20,000 अभी मेरे गोविंद राम प्रभु खड़े होकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे गोविंद राम प्रभु 1,00,000 की सेवा कर रहे हैं ब्रजबंधु प्रभु हमारे सोलापुर के टीम से आइए प्रभु 1,00,000 प्रभु जी भी अनाउंसमेंट कर रहे हैं आज शुरुआत है बोली शुरुआत हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इस्कॉन सोलापुर की इस्कॉन सोलापुर भक्तवृंद की
नए मंदिर के लिए, ये भी हमारे टीएमसी मेंबर है, फेस्टिवल किचन और पूरा फेस्टिवल का किचन डिपार्टमेंट संभालते हैं। प्रभु जी 11 लाख की धनराशि नए मंदिर के लिए आज प्लेस कर रहे हैं। कोई लिख रहा है? Someone is taking note. परमात्मा प्रभु हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जैसे हमने कहा है, सारे टीएमसी मेंबर्स इस्कॉन सोलापुर के लिए भी फुल सपोर्ट इनका है। उनके द्वारा ही इस्कॉन सोलापुर का प्रोजेक्ट धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। और अभी आने वाले 24 तारीख को रथ यात्रा है, तो आप सभी को आमंत्रित कर रहे हैं। विठ्ठल भक्त प्रभु इनका जो प्रचार केंद्र है या कांग्रेगेशन प्रेक्षक है, उनके द्वारा 10 लाख रुपए की धनराशि स्प्रेज करें। प्रभु श्री विठ्ठल भक्त प्रभु आइए। हरे कृष्णा मंगलवेड़ा और टेंगुर्णी, मंगलवेड़ा आणि टेंगुर्णीचा प्रचार क्षेत्रामधून 10 लाख रुपये। हरी बोल। साधु चरण प्रभु 51,000 रुपये। साधु चरण प्रभु हरी बोल। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो जो भी भक्त और सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे, थोड़ा एक दो मिनट दे दो। और कोई सच्चिदानंद प्रभु हरे कीर्तन प्रभु वो तो है कांग्रेगेशन में से, और भी कई स्थानों से यहाँ पर कांग्रेगेशन भक्त आए हैं। वेगवेगळ्या प्रचार ठिकाणाहून आमच्या संघासाठी परमात्मा प्रभू प्लेजिसचे फॉर्म देत आहेत, ते फॉर्म भरून घ्या। आणि ज्यांनी ज्यांनी आपले तर डोनेशन दिलं त्यांचे डिटेल्स द्या। आज विशेष योगिनी एकादशी आणि बरोबर 15 दिवसानंतर पुढची एकादशी जी आषाढी एकादशी आहे, आणि आज सकाळपासून झूमवर देखील आजचं पूर्ण सेशन दान आणि धर्म यावरतीच होतं। आणि आषाढी एकादशीसाठी ज्या भक्तांनी वेगवेगळ्या ठिकाणाहून संपूर्ण भारत आणि वेगवेगळ्या देशामधून सुद्धा सेवा करण्यासाठी पुढे आलेले आहेत, या ठिकाणी जे भक्त आपल्या वेगवेगळ्या सत्संग कार्यक्रमातून इस्कॉन पंढरपूरचे कॉन्ग्रेगेशन भक्त देखील आहेत, त्यांनाही विनंती आज आपण प्रेजेस करून आजच्या योगिनी एकादशी दिवशी राधा पंढरीनाथ विठ्ठल रुक्मिणी आणि प्रभुपाद परमपूज्य रुक्मिणी स्वामी गुरु महाराजांचा आशीर्वाद आपण प्राप्त करू शकतो। अजूनही काही भक्त चर्चा करत आहेत, विचार करत आहेत, आपण लिहून द्या, प्रवचनानंतर पुन्हा आपण आपला धन्यवाद देऊ शकतो। आताही सांगू शकतो? आताही झटकन मला सांगायचं। हां, को फॉर्म द्या, इकडे फॉर्म द्या। माताजी बरे लगू बरे शुभ हरिनाम प्रभु 21,000 रुपये जो पंढरपूर मंदिर के कम्युनिकेशन भक्त है। राधा गिरिधारी प्रभु 11 लाख की सेवा प्रभु जी करें नए मंदिर के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ज्या ज्या भक्तांनी आज प्रेजेस केले आहेत, श्रीमान परमात्मा प्रभु आणि कन्स्ट्रक्शन नवीन जे ऑफिस आहे ते संपर्क करू शकता आपले डिटेल्स आणि आपलं नाव पत्ता मोबाईल नंबर रजिस्टर करण्यासाठी। श्री श्री राधा पंढरीनाथ नव मंदिर निर्माण की जय। वैकुंठ धाम की जय। गौर प्रेमानंदे हरी।
सुरेंद्र श्रीमद् भागवतम एकादश स्कंद दशम अध्याय विंशति बीसवा श्लोक यदि प्राप्तिं विघातं च लिखा है ना बीस बीस चाहिए ना उन्नीस उन्नीस ओके आई एम सॉरी उन्नीस यदि प्राप्तिं विघातं च जानन्ति सुखदुःखयोः तेऽप्यध्यानविदुर्योगं मृत्युर्न प्रभवेद्यथ यदि प्राप्तिं विघातं च जानन्ति सुखदुःखयोः तेऽप्यध्यानविदुर्योगं मृत्युर्न प्रभवेद्यथ जानते हैं सुख सुख दुख यो हो तथा दुख को ते वे अभी फिर भी अद्धा प्रत्यक्ष न नहीं विदुहु जानते हैं योगम विधि मृत्यु मृत्यु न नहीं प्रभवित
अपनी शक्ति दिखलाते हैं यथा जिससे अनुवाद और तात्पर्य यदि लोग यह जान भी ले कि किस तरह सुख प्राप्त किया जाता है और किस तरह दुख से बचा जाता है तो भी वे उस विधि को नहीं जानते जिससे मृत्यु उनके ऊपर अपनी शक्ति का प्रभाव न डाल सके। तात्पर्य यदि तथा कथित बुद्धिमान भौतिकवादी लोग सुख प्राप्त करने तथा दुख को नष्ट करने का साधन जानते हैं या धन कमाते किस लिए? सुखी होने के लिए। धर्म परिवहन कुछ धार्मिक कृत्य भी करते हैं किस उद्देश्य? अर्थ प्राप्ति हो। धर्म अर्थ, तो अर्थ प्राप्ति होने के बाद क्या करते हैं? नाम है या काम की पूर्ति के लिए उस धन का उपयोग करते हैं। और उसे कुछ पछताते हैं, दे फील फ्रस्ट्रेटेड, तो फिर क्या कहेंगे? ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, ये संसार तो झूठ मूठ का है, इस जगत के कारण ही तो मैं दुखी हो गया। तब मुझे कुछ लेना देना नहीं है इस जगत के साथ, और अब फिर मोक्ष प्राप्ति की ओर मुड़ते हैं और उसी के साथ अपनी आत्महत्या भी करते हैं। आत्महत्या कर लेते हैं, वो भी आत्महत्या करने का एक प्रकार है। आत्महत्या, आत्मा मत आत्मा, कुछ लोग तो शरीर की हत्या करते हैं। टिक 20 एक समय चलता था, आपको पता नहीं होगा, पॉइजन उसको पीते थे और भी कई प्रकार के। स्वीडन में तो हुआ, एक किताब भी पब्लिश हुआ था स्वीडन में, आर्ट ऑफ कमिटिंग सुसाइड, आत्महत्या की कला। लेकिन वो आत्महत्या मतलब शरीर को भी आत्मा का भी कभी कहा जाता है, शरीर भी एक आत्मा के अंतर्गत आ जाता है। तो कुछ लोग शरीर की हत्या करते हैं उसको आत्महत्या कहते हैं, संसार से परेशान होते हैं या दे फील लोनली, अरे हमारा कोई नहीं है, नो वन केयर्स फॉर मी, ओह जीने का कोई मतलब ही नहीं है, तो लोग अपने अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं, तो अपने शरीर को समाप्त कर देते हैं। तो आत्महत्या का वो एक प्रकार हुआ। तो दूसरे तो अद्वैतवादी बनना चाहते हैं या निराकार या पर वही बात है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, फाइनली मोक्ष की ओर मुड़ते हैं। और वे लोग तो अपने आत्मा का ही, आत्मा का जो आत्मा शरीर में जो आत्मा है उसका नाश, जिसे सत्यानाश कहते हैं, सत्य का तो नाश नहीं हो सकता लेकिन प्रयास तो करते हैं, आत्मा सत्य है,
तो ब्रह्मलीन होना, ब्रह्म में लीन होना, अपना अलग से अस्तित्व बनाए नहीं रखना। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। तो दुख को नष्ट करने का साधन जानते हैं, तात्पर्य में लिखा है, तो इस प्रकार के साधन उनके पास है। आत्मा हत्या करो, शरीर की हत्या करो, या फिर आत्मा की हत्या करो, तो उन्हें चाहिए कि अवश्यंभावी, अवश्यंभावी मृत्यु से लोगों का उद्धार करे। विज्ञानी जन इस समस्या को हल करने से करने में जुटे हुए हैं, किंतु क्योंकि वे पूरी तरह असफल रहे हैं। वे लोग भी कहते थे विल मेक द मैन व्हाट इमॉर्टल, मनुष्यों को अमर बनाएंगे। कुछ 50 वर्ष पूर्व ऐसा प्रचार था, साइंटिस्ट मंडली ऐसा प्रॉमिसेस दे रहे थे सारे संसार को, विल मेक द मैन इमॉर्टल, मेक द मैन इमॉर्टल। तो प्रभुपाद फिर कहा करते थे, ये वैसी ही बात है जैसे कोई बैंक्रप्ट है और आपको चेक देता है, वो पोस्ट डेटेड चेक है, बैंक्रप्ट दिवाला निकला हुआ है और आपको ओके आपके पंडितनाथ मंदिर के लिए पोस्ट डेटेड चेक, और पता नहीं कौन सी डेट होगी उसमें पोस्ट डेटेड चेक। तो साइंटिस्ट लोग भी प्रॉमिसेस करते रहे, लेकिन उनकी प्रॉमिसेस हैव नॉट बीन डिलीवर्ड। हरी हरी। असफल रहे क्योंकि पूरी तरह विज्ञानी जनों के प्रयास असफल रहे। अतः यह मानना होगा कि वे वास्तव में बुद्धिमान नहीं है। यस, वे बुद्धिमान नहीं तो वे कैसे है, बुद्धू है। मायया अपरित ज्ञाना, कृष्ण भगवद गीता में कहे हैं, उनका ज्ञान चोरी करती है। कौन? माया उनका ज्ञान चोरी करती है। मायया, माया द्वारा, मायया मतलब माया द्वारा, अपरित ज्ञाना, अपरित। चार प्रकार के लोग भगवान की शरण में नहीं जाते, उसमें से एक पार्टी है मायया अपरित ज्ञाना और असुरम भावमाश्रितम इत्यादि इत्यादि। तो जो भगवान की शरण ही नहीं लेता, तो भगवान का मानता ही नहीं, तो फिर ऐसे लोगों को जो बुद्धि प्राप्त होती है विनाशकाले विपरीत बुद्धि, सेइंग नॉट इजी टू रिपीट योर ट्राई टू से आफ्टर मी। वाह, भगवान सभी को ऐसे बुद्धि, मैंने ऐसे लोगों को इंटेलेक्चुअल्स और बुद्धिमान, बुद्धिजीवी, क्या कहते हैं बुद्धिजीवी, मतलब ये भी कि अपने जीविका के लिए कुछ बुद्धि का उपयोग करने का प्रयास करते हैं। किंतु वे
बुद्धिमान नहीं होते या उनकी बुद्धि विपरीत बुद्धि उनको प्राप्त होती है जिसका परिणाम विनाश में होता है। किंतु व्यक्ति भगवान की ओर मुड़ता है, भगवान का भक्त बनते ही उसके भगवान बुद्धि देते हैं। भगवान तो सभी को बुद्धि देते हैं। फिर एक बुद्धि तो विपरीत बुद्धि होती है और दूसरी सीधी सरल सही बुद्धि होती है। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते, मैं बुद्धि देता हूँ और उस बुद्धि का उपयोग वे जन किसके लिए करते हैं? माम उपयान्ति, मेरे पास आने के लिए या भगवत धाम लौटने के लिए। हमी जा तो हम तो कई सारे लोग आ रहे हैं इस समय पंढरपुर की ओर, अपने गांव अपने अपने गांव छोड़कर, और ये जानकर कि वैसे ये गांव हमारा नहीं है, हमारा गांव तो है पंढरपुर धाम के। माझे माहेर पंढरी आहे भी बरे चातिरी, माहेर पंढरपुर कैसा है? माहेर घर मायके का, अपने पिता माता का घर। मिठू माझा लेकुरवाड़ा संगे गोपाळांचा मेळा, विठू माझा लेकुरवाळा। तो कई सारी संताने लेकर पंढरपुर की ओर आ रहे हैं। हम उनको कल पुणे में मिले थे। 10 लाख लोग पंढरपुर की ओर आ रहे हैं। ददामि बुद्धि योगम तम एन माम उपयान्ति, तो उनको सद्बुद्धि दिए भगवान और वे लौट रहे हैं। भगवान कितने दयालु कितने कृपालु हैं। तो अपनी कृपा की वृष्टि कई प्रकार से करते हैं। तो ये जो दिंडी, ये भी एक व्यवस्था है, ये भी एक पद्धति है, ये भी एक मार्ग है भगवान की ओर आने का। महाजनो येन गतः स पंथः, उस मार्ग पर पहले चले। ज्ञानेश्वर आते थे क्या दिंडी में? हाँ, लहांतर होते ज्ञानेश्वर आ रहे आते थे, किसको पता है? ध्यान दे। तो वह महाजन ज्ञानदेव महाजन तुकाराम महाजन, तो महाजनो येन गतः स पंथः, बोले तैसा चाले त्याची काय वंदा भी पाउले। जैसे बोलते हैं वैसे ही जो चलते हैं, जैसे बोलते हैं वैसे ही करते हैं। केवल भाषण ही नहीं ठोकते, तो भाषण में जैसे जैसे आप करो आप करो आप करो,
लेकिन स्वयं भी करते रहते हैं। अरे मैं ही शक्कर खाता था तो फिर मैं कैसे बताता तुम्हारे पुत्र को शक्कर मत खाओ, चीनी मत खाओ। ऐसे किसने कहा? महात्मा गांधी कहे थे। एक मैया लेके अपने पुत्र को लेके आई गांधी जी के पास और कहा कि बापूजी मेरे पुत्र को थोड़ा कुछ समझाओ, बहुत शक्कर खाता है, बहुत चीनी खाते रहता है, चीनी बहुत शक्कर खाता है। तो गांधी जी कहे नॉट नाउ, कुछ समय के बाद आ जाओ, एक दो महीने के बाद आ जाओ। तो उनको लेके गई अपने पुत्र एक दो महीने के बाद। तो फिर महात्मा गांधी ने उस बच्चे को पुत्र को उपदेश किया, ए मत खाओ, फिर क्या होगा, मधुमेह, हाँ डायबिटिक हुआ, ये होगा वो होगा, कुछ समझाया भी होगा, उसके दुष्परिणाम, डोंट नीड शुगर बेटा। तो उसकी माँ ने पूछा, बापू जी ऐसा तो आप तो उस दिन भी कह सकते थे, आज का उपदेश जो आप सुना रहे हो। तो बापू जी ने कहा, कैसे सुना सकता उस, मैं कैसे सुना सकता, मैं स्वयं ही शक्कर खाता था, तो कैसे बताता मैं तुम्हारे बालक को कि शक्कर मत खाओ, चीनी मत खाओ। तो बोले तैसा चाले चाची बंदा भी पाऊले, और यही ये महाजनो ये न गता सपंत। हरी हरी यह सोचना नीरी मूर्खता है, मूर्खता होगी कि गर्दन से ऊपर तलवार लटकती रहे और मनुष्य सुखी रहे। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, मृत्यु सर्व हरश्याहम, मैं तुम्हारे समक्ष मृत्यु रूप में उपस्थित होता हूँ और प्रत्येक वस्तु को हर ले जाता हूँ, राइट। इसीलिए अच्छा है कि भगवान सब कुछ हर लेने के पहले ही भगवान को दे दे, कुछ फायदा तो होगा। ये दान धर्म की व्यवस्था भी भगवान ने की हुई है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी, धर्म की स्थापना करने हेतु मैं आता हूँ। तो ये धर्म के अंतर्गत ये दान धर्म भी धर्म है, दान धर्म। वैसे दान पेटी लिखा तो दान पेटी, वैसे दान सही शब्द नहीं है। हम भगवान को दान देने वाले हम कौन है, हाँ भगवान पर मेहरबानी करते क्या, भगवान को दे के। वैसे भगवान हम पर मेहरबानी करते हैं जब क्या करते हैं, वैसे सद्बुद्धि भी दे सकते हैं, सद्बुद्धि। दान के भी प्रकार है, सद्दान असद्दान,
दान किसको देना चाहिए? तमोगुणी होते हैं कुछ लोग, रजोगुणी होते हैं, सत्वगुणी होते हैं, तो कुछ गुणातीत होते हैं, तीन गुणों से परे होते हैं। तो जो गुण तीन गुणों से परे है उनको वैसे दान तो परमात्मा प्रभु को दे सकते हो आप, परमात्मा को नहीं, परमात्मा प्रभु को दान दे, अपना दान दे सकते हो, या प्रहलाद प्रभु को। तो भगवान ने ऐसे आपको हमें सद्बुद्धि भी दे दी और उसके अनुसार हमने दे दिया अपना धन, अपना तो था ही नहीं, क्या लागे मेरा, लोग तो कहते तो है, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, पहला पार्ट ठीक है, तेरा तुझको अर्पण, आपको अर्पित क्यों कर रहे हैं हम, आपका ही है सब भूमि, गोपाल की सब भूमि, उसमें से कुछ भूमि आपने दे दी गोपाल को, तो उसी के साथ हम इसे मुक्त हो जाते हैं, हम मुक्त होते हैं, नहीं तो नहीं भाव बंधन में है, इतना सारा बोझ लेके हम चल रहे हैं, अधिक बोझ, मेरा मेरा मेरा, मामा अहम, मामा अहम, मामा मेरा 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 मेरा, हर मेरे के साथ हम मर जाते हैं या हम अधिक डूब जाते हैं। कल्पना करो कि आप जल में हो, जलाशय में हो, तो हमने कुछ हाथ में ले लिया कुछ बोझ, अगर भारी है तो डूब जाओगे कि नहीं, या फिर उसको कंधे पर रखा या सिर पर रखा और रख दिया, तो हम कितने अधिक गहराई में पहुंचेंगे, और बोझ, लेकिन हम वो बोझ को कम करते जाएंगे, दान दे रहे हैं, दान दे रहे हैं, धर्म दान धर्म चल रहा है, दे रहे हैं। यईशावाशमिदं सर्वं यत्किंचां जगत्यं जगत्येन त्यक्तेन भूंजिता मा व्रदः कश्यस्विद्धनम्। इस उक्ति के अनुसार हमें उतनी संपत्ति अपने पास रखनी चाहिए जितनी हमारी आवश्यकता है, और जितना तेन तेन त्यक्तेन भूंजित, तेन मतलब भगवान ने, भगवान ने जो हमारे लिए कोटा, तो चींटी का अपना कोटा है, हाथी का अधिक कोटा है, तो उतना ही लेना चाहिए और बाकी सब दान धर्म में देना चाहिए, औरों को देना चाहिए। भुंगते भोजे ददाति प्रतिगृह्णाति विय ददाति प्रतिगृह्णाति, भुंगते भोजयते चैव षड्विधं प्रीति लक्षणम्। हमारे कोई गुरु भाई गुरु बंधु है जिनको धन की आवश्यकता है, थोड़ा अभाव है, उनको भी दे सकते हैं। ताकि तो जैसे हम देते जाएंगे देते जाएंगे देते जाएंगे, उसी के साथ हम हल्के होते जाएंगे। हाँ, गहराई तक पहुँचे हैं ना, मेरा 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 कहते हुए हम लोग स्वयं को ऐसे डुबा दिए हैं, तो जैसे हम लोग देते जाएंगे, बेस्ट थिंग है कि वैष्णव पार्टी वैष्णव और विष्णु को देना चाहिए। वैसे विष्णु को दोगे तो ना ना
वैष्णव को दोगे तो विष्णु के पास पहुंचा देंगे आपके, आपने जो भी दिया विष्णु के पास पहुंचा देंगे। दूसरी पार्टी अपने लिए उसका उपयोग कर सकते हैं, स्वयं भोक्ता बन सकते हैं, आपने जो भी दिया उसको हड़प सकते हैं। तमोगुणी या रजोगुणी लोग, लेकिन जो वैष्णव है उनको आप जो भी दोगे भगवान के पास, विष्णु के पास पहुंचा देते हैं। तो हम हल्के होते हैं, हल्के होते हैं और फिर ऊपर आएंगे, हम तैरने लगेंगे और तैरते तैरते हम, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो मृत्यु सर्व रहस्या हम, तो जानबूझकर हम नहीं देंगे तो फिर क्या होगा, भगवान आ जाएंगे। किस रूप में आएंगे? मृत्यु के रूप में आएंगे और क्या करेंगे, सब छीन लेंगे, सब छीन लेंगे और हमको लात मार के गेट आउट एम्प्टी हैंडेड, एम्प्टी पॉकेट, झड़ती गेती ना झड़ती झड़ती मतलब इसने जेब में रखा है क्या और कहाँ कहाँ रखा है, वहाँ वो सारा धन। तो ऐसी स्थिति मृत्यु के पहले ही जानबूझकर हम दे दे, उसके लाभ ही लाभ है। लाभ क्या है? कृष्ण कृष्ण प्राप्ति ही लाभ है। अरे लक्ष्मी या उसे हम लक्ष्मी तो हम लोग कहते हैं, लेकिन इस लक्ष्मी को लोग पैसा बनाते हैं। आसुरी प्रवृत्ति के ही कहो लोगों के पास जब लक्ष्मी पहुंचती है, लक्ष्मी को वे हड़प लेते हैं, लक्ष्मी बन जाती है, पैसा बनती, पैसा पैसा अड़का पैसा। लेकिन हम जब वैष्णव को देंगे तो उसका उस पैसे का उसको लक्ष्मी बना देंगे और फिर लक्ष्मी नारायण की सेवा में, फिर लक्ष्मी प्रसन्न, लक्ष्मी प्रसन्न ऐसे लिखते हैं ना घर में, हाँ दीवार पर लिख लक्ष्मी प्रसन्न। तो कब होगी वो सोचते हैं कि लक्ष्मी अगर हम पर प्रसन्न हो जाएगी तो हम अधिक धन कमाएंगे, अधिक कमाई होगी, अधिक कमाई होगी, इसलिए लक्ष्मी प्रसन्न, लक्ष्मी प्रसन्न। लेकिन वे जानते हैं लक्ष्मी कैसे प्रसन्न होती है, नारायण की सेवा में लक्ष्मी प्रसन्न। तो दो प्रकार के लोग हैं ऐसा भी कह सकते हैं, एक रावण रावण जैसे हैं और दूसरे हनुमान जैसे है। और सीता है ऐसी सीताराम की, सीता है लक्ष्मी। अपहरण की बातें चली रही थी तो रावण ने कर लिया अपहरण किया सीता का, उपभोग के प्रयास भी चलते रहे। तो फिर आ गए जय हनुमान और उन्होंने सीता को मुक्त किया, कम से कम पता तो लगवाया वेयर अबाउट्स कहाँ है सीता। और उस समय वो सीता को अपने कंधे पर बिठाकर ले जाने के लिए तैयार भी थे,
कि चलो चलते हैं, चलो चलते हैं। कहाँ? राम के पास। कैसे जाऊंगी मैं? कंधे पर बैठो। नहीं नहीं, मैं अपने पतिदेव के अलावा और किसी को स्पर्श भी नहीं करती, नहीं करूंगी, और तुम्हारे कंधे पर बैठना। और राम को ही अपना वीर्य शौर्य का प्रदर्शन करने दो और मुझे मुक्त करने दो इस रावण के फांस से, बंधन से। तो हनुमान ने वो रोल सीता का वापस लाने का केवल समाचार ही मिला दिया हनुमान ने। यस, क्योंकि खोज चल रही थी, स्वयं राम और लक्ष्मण खोज रहे थे सीते सीते। किंतु वह तर्वो भी नहीं दुस, वृक्ष ही बोल रहे थे सीते, उल्टा कुछ पता तो नहीं चल रहा था। तो वह किंतु हनुमान ने पता लगवाया और समाचार लेके आए किष्किंधा क्षेत्र में, किष्किंधा में ही। I have good news for you, my lord. हनुमान अंग्रेजी बोलते हैं। तो राम समझ गए, गुड न्यूज मतलब क्या, इनको पता लगवा क्या है। तो समाचार ब्रेकिंग द न्यूज कहो, गुड न्यूज, द ब्रेकिंग न्यूज। पूरा ड्रेस लेके आए, हियर लंका में अशोक वन में, अशोक वाटिका में कौन सा वृक्ष उसके नीचे बैठी हुई है सीता। वाटिका तो है, उसका नाम तो है अशोक, वहाँ अशोक वन में शोक कर रही है, अशोक वन में शोक कर रही है सीता, शोकाकुल सीता। तो राम जब सुने क्या है, कम से कम इतना तो पता चला कि वो जीवित है, whether she is alive or dead, ये पता नहीं था पक्का पूरा, कुछ बता नहीं सकते क्या किस स्थिति में सीता है कि नहीं रही। फर्स्ट ऑफ ऑल सीता है, दैट्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द गुड न्यूज। और फिर कहाँ है यही बता दिया। तो राम इतने प्रसन्न हुए हनुमान से प्रसन्न हुए। और राम ने हनुमान को गले लगाया, शाबाश। वैसे उन्होंने ये भी कहा, ऐसा कहते कि उन्होंने ऐसा कहा, राम ने ऐसा कहा कि ये हनुमान इस समय यदि हम या मैं राम अयोध्या में रहता तो कितना बड़ा पुरस्कार तुमको मैं देता, लेकिन क्या करूँ, मैं तो वनवासी हूँ, केवल वन में ही नहीं रहता हूँ मैं, राम कह रहे मैं वनवासी जैसा रहता हूँ, मेरे पास कुछ संपत्ति नहीं है, कुछ विशेष देने के लिए भेंट नहीं है। तो राम फिर सोच रहे हैं, तो क्या कर सकता हूँ मैं, कौन सी भेंट दे सकता हूँ। तो राम ने कहा, इफ़ यू डू नॉट माइंड, तुमको यदि एतराज नहीं हो तो क्या करो,
मेरे आलिंदन को स्वीकार करो। तो क्या हनुमान कहे होंगे, दिस इज नॉट इनफ, यू नो व्हाट, दिस इनसिग्निफिकेंट गिफ्ट, यू आर इंसल्टिंग मी, इट्स अ बिग इंसल्ट। ऐसा कहे क्या हनुमान? एतराज, नो क्वेश्चन। और राम ने हनुमान को बाहुपाश में धारण किया, चबास, और अपने प्रेमाश्रुओं से हनुमान का अभिषेक भी कर रहे हैं। श्री राम, तो इतने प्रसन्न होते हैं भगवान जब कोई उनके लक्ष्मी को, उनके सीता को पुनः वापस ले आता है। रीरी शांत, तो वो वैकुंठ प्रकल के, तो इसके लिए भी जो भी अपने पास की जो लक्ष्मी है उसको राधा पंडरीनाथ की सेवा में समर्पित करते हैं। या फिर उसी लक्ष्मी को हमारे फंड रेजर्स भी जब ले आते हैं और दे देते हैं श्री श्री विट्ठल रुक्मिणी के, विट्ठल रुक्मिणी को देते हैं, कहो विट्ठल को देते हैं या पंडरीनाथ को देते हैं, तो वो जो दान दाता है या दान को ले आने वाले हैं उनसे भगवान प्रसन्न होते हैं कि होंगे कि नहीं? ये तो दिखाया है, ये जो हनुमान ने जो सीता की खोज की और समाचार ही लाए, स्वयं लाने के लिए तैयार भी थे लेकिन संभव नहीं हो पाया, तो उनसे जैसे तो हनुमान ने वो प्रतिनिधित्व किया है सीता को वापस लाने का और राम की सेवाएं पुनः प्रस्तुत करने का। तो वैसे ही हमारे प्रचारक जो है, फंड रेजर्स है, वैसे हमारे प्रचारक या तो लोगों के फंड्स को ले आते हैं, उसको हम कहेंगे ममत्व को ले के आते हैं और भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। प्रचार से ये भी होता है, लोगों के धन राशि को, संपत्ति को, लैंड, हो सकता है रेडीमेड बिल्डिंग है या संपत्ति है, मेबी सम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑल्सो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक प्रॉपर्टी का प्रकार है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो बुद्धिमान लोग हैं, आइडिया बाज जो लोग हैं अपने आइडिया देते हैं वो भी सेवा है। इसलिए वैसे कहाँ है, सेवा चार प्रकार से होती है, कौन कौन सी? प्राणैर अर्थैः धिया वाचा, प्राण, कुछ लोग प्राण देते हैं तो कुछ प्राणैर अर्थैः कोई धन देते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं, प्राणैर अर्थैः धिया बुद्धि आइडियाज देते हैं, उनकी कल्पनाज कंसेप्ट्स
उनके विचार, हाई थिंकिंग एंड नो स्लीपिंग। और फिर कुछ लोग क्या अपनी वाचा देते, वाचा बोलते हैं भगवान की ओर से, भगवान के सेवा में बोलते हैं, तो ये चारों पार्टी भगवान को प्रसन्न करती है। तो मैं कह रहा था कि कुछ वक्त कुछ प्रचारक लोगों का जो मामा है, लोगों का दो ही बातें होती है लोगों के पास, एक अहम होता है और दूसरा मामा होता है। एक होता है क्या, अहम, और दूसरा होता है मामा। तो हमारे प्रचारक या तो लोगों का मामत्व, मामा को ले आते हैं, मेरा धन, मेरा घर, मेरा ये, मेरा 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 मेरा, और फिर दूसरे प्रचारक क्या कर सकते हैं, लोगों का जो अहम है, मतलब उनकी आत्मा को ही लेके आएंगे, प्राण के प्राण ही लेके आएंगे और भगवान की सेवा में समर्पित करेंगे। प्रचार से मोटा मोटी ये दो बातें हम लेते हैं उनसे, उनकी संपत्ति, उनके जो भी है। कभी कभी लोग अपना कार भी देते हैं डोनेशन में, प्रचार के लिए कार, क्या क्या देते, और भी कुछ देते रहते हैं, धन तो देते ही हैं। तो वो लेना और भगवान की सेवा में समर्पित करना। और लोग ये ले जाओ, वो ले जाओ, वो ले जाओ, वो ले जाओ, मुझे मत ले जाओ। So that's the best offering. Better than इसको ले जाओ, ये ले जाओ, ये ले लो। तो हुआ, लेकिन देते 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 देने में एक सुख होता है। मां साहब प्रचारक बता सकते हो जिनके पास आप जाते हो, और देने का सुख कौन जानता है, कौन जानता होगा, देने का सुख कौन जानता होगा, देने वाला ही जानता है, साधु संघ प्रभु ही जानते हैं देने का सुख। ऐसे औरों के साथ शेयर कर सकते हैं, फिर और लोग भी तैयार हो जाएंगे। हाँ, ये सुखी होने का मार्ग है। और उनको सुख देते कौन है, भगवान सुख देते हैं, उनको आनंद देने वाले, सुख देने वाले, समाधान जो होता है देने से, इसीलिए भी समाधान होता है कि मुक्त हो रहे ना। इतना सारा बोझ था तो हल्का हो गया बोझ, फ्री टू चैंट एंड डांस। हरी हरी। तो यहाँ के मंदिर निर्माण पंडरपुर धाम में एक विशेष मंदिर होना चाहिए कि नहीं? Not just another temple, another one. ऐसा होगा तो फिर अनादर होगा, just another, और एक, one more. यहाँ का मंदिर विशेष, ओके, अच्छा शब्द है, very special, very not common, but uncommon, not ordinary, but extraordinary, okay, unique also, unique मतलब unique,
not to be compared with anything else. Adbhut, astounding, one of its kind. इस प्रकार का मंदिर एक ही है, वो वैकुंठ जैसा मंदिर वो वैकुंठ ही है, ऐसा कुछ मंदिर हमको आप सबको मिलके या बनाना है। तो ऐसे बनाते बनाते हम लोग मुक्त हो जाएंगे, भक्त हो जाएंगे और फिर मृत्युर्न प्रभवेत यथा, मृत्यु का प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा, मृत्यु हमारी ओर दूर से नमस्कार करके चला जाएगा। इनका चार्ज तो हमारे पास नहीं, इनका चार्ज विष्णुदूत आएंगे, हम तो यमदूत मंडली है। तो और ये तो वैष्णव है, इनके मुख में नाम है, हाथ में भगवान का काम या सेवा है, गले में कंठी माला धारण किए हैं, तो इनका कोई मालिक भी है ऐसा भी मतलब होता है। जिन कुत्तों के गले में बेल्ट वगैरह नहीं होता तो फिर म्यूनसिपैलिटी की डॉग वैन आती है, म्यूनसिपैलिटी का एक वैन होता है उसको डॉग वैन कहते हैं। जिन जिन कुत्तों के गले में बेल्ट नहीं मतलब मालिक नहीं है उसको पकड़ के ले जाती है, लेकिन गले में यदि बेल्ट है तो से दूर रहते हैं। तो कंठी माला है मतलब मालिक है, कौन है ऊपर वाला मालिक है या गुरु और गौरांग मालिक है। तो वह हो गया काम, जय श्री राम, हम बच गए, भगवान बचाएंगे। एनीवे ये ऐसी व्यवस्था है, हम केवल कह ही रहे हैं, ऐसी व्यवस्था ऑलरेडी एग्जिस्ट, भगवान ने ऐसी व्यवस्था की हुई है और इस सारी व्यवस्था को ही, उस व्यवस्था का ही नाम है धर्म। और धर्मो रक्षति रक्षिता, ये धर्म की रक्षा करेंगे हम, धर्म के नियमों का पालन हम करेंगे तो हमारा रक्षण निश्चित है, गारंटीड। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र या श्री विजय भूति नीति मति मामा। किसकी मति ये? संजय उवाच, संजय की मति है, संजय उवाच। ऐसी उनकी मति इसलिए बनी है कि ये सत्य है, ऐसा ही होता है। तो जो भी ऐसा कार्य करके जाएंगे, जाना तो है ही, हाँ या कोई रहने वाला है, रहने का प्रयास करके, और हिरण्यकश्यप भी प्रयास करके गया, हाँ एलो और गेलो, हाँ लोचनदास कहते हैं ऐसे लोग, लोग आते हैं पापी पापी, एलो और गेलो,
आते हैं और जाते भी हैं, आना जाना कब से चल रहा है। अब फुल स्टॉप का समय आ चुका है, ये जन्म लास्ट जन्म हो सकता है। कौन कौन चाहते कि ये लास्ट वाला हो, लास्ट वाला। अब थके हो कि नहीं? नहीं थके हो तो फिर राट गाड़ गए। ये प्रकृति के लिए कोई समस्या नहीं है वैसे। 50 किलो में बन जाता है, 50 किलो या किसी का 5 ग्राम में भी चींटी का शरीर बन जाता है। दिस लॉट्स ऑफ मिट्टी काफ़ी है, पृथ्वी आप तेज वायु आकाश। तू वेड़ा कुंभार विठला, तू वेड़ा कुंभार, तूच घडविसी तूच फोडिसी, तू वेड़ा कुंभार। ऐसा कुंभार तो हमने कहीं देखा नहीं, जो घड़े बनाता है और फोड़ता है। ऐसा तो ऐसा कुंभार ना तो सोलापुर में, ना तो कोल्हापुर में है, ना तो नागपुर में है। लेकिन तुम वेड़े वेड़े वेड़ा वेड़ लाग लगे काय एक कुंभारा विठला। तो यानी भगवान स्वयं तो नहीं करते एक कुम्हार गिरी, उनकी प्रकृति बड़े आसानी के साथ कई घड़े बनाती रहती है। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, चलता चल रहा है। होल सिस्टम इज इन प्लेस इन मोशन। साथ भगवान की रास क्रीड़ा वगैरह आराम से चल रही, खेल रहे हैं और ये शो भी चल रहा है। तो कोई थका नहीं है अभी तक ये संसार से। अद्या वीट वीट नहीं आला वीट। एक तो भगवान ईट पर खड़े हैं, ईट पर खड़े भगवान वीट बेटे वर्दी हुए भगवान, तब तक नहीं मिलेंगे जब तक ये संसार संसार लगा मतलब संसार सा वीट वीट जब जो पर्यंत ये नहीं संसारा सा वीट असच म्हणतात ना धर्मराज। कंटाळा चांगले शब्द आहेत, कंटाळा वैताग वैताग लो वैताग वैतागवाडी कधी वैतागवाडी वैताग लो वैताग काय सांगता सोय नाही काय वैताग लो। तो ये भी तो भगवान किस लिए है, वैताग कहो या वीट कहो, ये ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या ऐसे जो विचार विचार भी है ये भगवान ही विचार देते हैं ताकि हम पुनः उनकी ओर मुड़ेंगे, पुनः हम अंतर्मुख होंगे। इस उद्देश्य से ये सारी ये संसार ऐसा पूरा कंप्लीट भोग भोगना है तो ओके समय हो गया। भोग भोगना है तो यह व्यवस्था है, भोगी बनना है तो व्यवस्था है, योगी बनना है तो व्यवस्था है। वैसे इन दो उद्देश्यों से भगवान ने इस सृष्टि को बनाया है, केवल भोगी बनने के लिए नहीं, किसके लिए, योगी बनने के लिए भी इस सृष्टि की व्यवस्था। तो सृष्टिकर्ता भगवान के ये दो उद्देश्य है इस सृष्टि के निर्माण के पीछे। जब भी व्यक्ति कोई बनाता है घर बनाता ये बनाता तो कोई उद्देश्य होता है या सम पर्पस। तो ये सृष्टि बनाने वाला जो सृष्टिकर्ता स्वयं भगवान ही है, फिर बाद में थोड़े ब्रह्मा भी मदद करते हैं सेकेंडरी क्रिएशन में, किंतु वह
तो भोगी बनना है तो सारी व्यवस्था है, योगी बनना है तो भी तो क्या बनना अच्छा है? हाँ, भगवान तो योगी भव, योगी भव के भगवान तो योगी भव कहते हैं। गीता का सार कहो या संदेश, योगी बनो, योगी बनो। तो कौन कौन तैयार है? योगी और कौन सा योगी? बाबा रामदेव बाबा का वो भी योग है। भक्ति योगी, योगी नाम अभी सर्वेशा भक्ति योगी। तो यहाँ पर भी ये भगवत गीता ही चल रही है, ये उद्धव गीता चल रही है, उसमें भी वही उपदेश और थोड़ा विस्तार से और गहराई में, गहराई से और उदाहरणों के साथ इस गीता को, उद्धव गीता को या 11वें स्कंद में समझाए हैं। थोड़ी एडवांस और भी एडवांस स्टडी है ये सॉन्ग ऑफ गॉड, और भी मधुर है। राय गौर प्रेम आनंदे गोपाल की, राधा पंडरीनाथ की, पंडरपुर धाम की, भू वैकुंठ प्रकल्प की, तो महाराज जी के सानिध्य और इस दिव्य वचनों के लिए महाराज जी धन्यवाद देंगे। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हुए, हरे कृष्णा।